हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बबली किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि घर में कम खर्च में डेयरी मिल्क जैसा चॉकलेट कैसे बनाए। तो बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बन के तैयार होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाइट डार्क कंपाउंड और 2 बाइट मिल्क कंपाउंड। ये इस तरह के पैकेट में मार्केट में मिलता है, डार्क कंपाउंड लिखा रहेगा, और ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो ये 400 ग्राम का है और मैं इसको दिखाती हूँ, ये बहुत सस्ता पड़ता है। 85 रुपीज़ का आपको 400 ग्राम मिलता है, मिल जाएगा। और इसके अंदर 4 बाइट होता है ऐसा बड़ा बड़ा, तो 1 बाइट मैं इसमें ले रही हूँ। और मिल्क कंपाउंड का भी ऐसे ही आता है, तो ये मैं 2 बाइट यूज़ करूँगी, जिससे कि आप चाहें तो डार्क अगर चॉकलेट ज़्यादा खाना है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम और काजू, जिसको मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया है। चॉकलेट बनाने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा पानी डाला है 1 गिलास, और ये बॉयल हो रहा है। और इसके ऊपर हम एक बर्तन रखेंगे ऊपर से, और इतना रखेंगे कि ये नीचे टच ना हो, बस उसका स्टीम आना चाहिए धीरे धीरे। तो अब इसमें हम चॉकलेट्स को डालेंगे। आप चाहें तो इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं, तोड़ने से जल्दी से ही मेल्ट हो जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने तोड़ा नहीं है, धीरे धीरे स्टीम से ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे, और आप देख सकते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो गया। अभी आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, इसको लगातार हम ऐसे ही चलाते रहेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, और थोड़ा सा जो लम्प्स जैसा दिख रहा है उसको भी हम ऐसे चलाएंगे तो लगातार चलाते हुए स्मूथ हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हम डबल बॉयलर में क्यों कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट हम फ्लेम पे इसको मेल्ट करते हैं तो चॉकलेट जो है वो जलने लगता है और उससे चॉकलेट का टेस्ट खराब हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको जब भी करें तो डबल बॉयलर में ही करें। अभी चॉकलेट एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने ऐसे कट कर लिया है बारीक, पहले इसको रोस्ट किया था। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी, एकदम फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट जो होता है वैसा टेस्ट इसका लगता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। चॉकलेट को जमाने के लिए मैंने ऐसा मोल्ड लिया है, तो इसको सिलिकॉन मोल्ड बोलते हैं, और ये किसी भी मॉल में या फिर ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो प्लास्टिक का भी मोल्ड आता है और सिलिकॉन का भी। तो इसमें सिलिकॉन से ये फायदा है कि बहुत ही इजीली चॉकलेट अनमोल्ड हो जाता है। और अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप घर में जो भी कोई छोटा सा बर्तन या फिर जो आइस ट्रे होता है फ्रिज में, उसमें जमा सकते हैं चॉकलेट को, उसमें भी चॉकलेट अच्छा जमता है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसको हम मोल्ड में डालेंगे जमाने के लिए। तो मोल्ड में ऐसे छोटे से चम्मच से लेके हम सावधानी से डालेंगे, इधर उधर ना गिरे। इसको पूरा फुल कर देंगे हम। ये चॉकलेट बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और सस्ते में बहुत सारे चॉकलेट बना के घर में तैयार कर लेंगे। इसको हम एक बार टैप कर देंगे जिससे कि ये एक बराबर हो जाए। और पूरा मैंने फुल नहीं किया है क्योंकि और भी डिजाइन के चॉकलेट मुझे बनाने हैं, तो इसमें बहुत सारा डिजाइन है, तो मैं अब इसमें डालूंगी। सारे चॉकलेट को मैंने मोल्ड में भर लिया है, और इसको एक ट्रे में रख के हम ऐसे टैप कर लेंगे जिससे कि ये बराबर हो जाए, सारे एयर बबल्स निकल जाए। तो इसी तरीके से दूसरे को भी कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम सेट होने के लिए, जमने के लिए आधे घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, अभी आधा घंटा हो चुका है और चॉकलेट को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जमा है, बहुत ही अच्छा से जम गया है चॉकलेट। तो इसको अब हम अनमोल्ड करते हैं। तो इस तरह से नीचे से दबाएंगे तो चॉकलेट बहुत ही इजीली निकल जाता है। सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट बनाने का यही फायदा है कि बहुत ही आसानी से निकल जाता है और शेप बहुत ही अच्छा रहता है। तो अलग अलग डिजाइन इसमें आता है, तो चॉकलेट बहुत सारे वैरायटी का हो जाता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आप इस तरह से बहुत जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये कम खर्चे में बहुत सारा चॉकलेट बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से सारे चॉकलेट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा चॉकलेट बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और बहुत ही यम्मी चॉकलेट बना है। तो अगर आप भी बनाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि घर में हमने इतना अच्छा चॉकलेट बनाया है, और आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसका सामान जो है ऑनलाइन बहुत ही इजिली मिल जाता है, आपको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। इसको बना के आप एयर टाइट डब्बे में रख के, फ्रिज में या फिर ठंडी जगह पे रख के महीनों तक खा सकते हैं, या फिर किसी को गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। तो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।